मौसी जी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं? हम क्यों नाराज होंगे? नाराज तो अपनों से होते हैं। हम हैं ही कौन? मौसी हुए तो क्या हुआ? मौसी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। आपके सिवा और है ही कौन मेरा इस दुनिया में? अच्छा, और फिर भी इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई तुमने? क्यों गुंजन, क्या मौसी समझती नहीं? मौसी जी, I'm sorry. माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम पर हाथ उठाया। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। लेकिन बेटा, तुम्हारा इतना तो हक बनता है कि तुम अपनी मौसी को आकर सब कुछ बता देती। तुमने मयंक को सारी बातें बताई तो हमें भी। जी, it's just that मुझे लगा कि विहान और रचना शायद। रचना और विहान का रिश्ता हम कतई नहीं करते। जो लड़का हमारी बेटी से प्यार नहीं करता है, जिसे उसकी कदर नहीं, उससे हम उसकी शादी कभी नहीं करते। रचना वाकई नसीब वाली जो ऐसी बहन मिली। लो, रचना का नाम लिया और रचना हाजिर। भगवान का हाथ था तुम पर जो ये होनी टल गई। सिर्फ भगवान का नहीं शैल, गुंजन का हाथ था जो अपनी इज्जत और भविष्य की चिंता किए बिना उस आग में कूद पड़ी और रचना को बचा कर निकाल लाए। संगीता, पहले से भी ज्यादा सर पर चढ़ा रहे। चारू कहाँ है? अपने कमरे में दीदी, और बहुत गुस्से में। चल, चारू को देखकर आते। दिल दिमाग शरीर, हमारा इस घर में सब कुछ खराब हो गया है इस घर के ड्रामे की वजह से। बस गुंजन गुंजन गुंजन। और सासुमा, आप तो बड़ा कह रही थी कि दो दिन में वो लड़की घर से बाहर होगी, अब क्या हुआ? बेटा, जो भी करना है हम सबको साथ मिलकर करना है, क्योंकि हम सबका एक ही मकसद है, उस गुंजन नाम की बुला से छुटकारा। मयंक, सीम्स लाइक कि कोई थैंक यू बोल रहा है। बट आई एम सॉरी, यू आर नॉट वेलकम। व्हाट डू यू मीन, आई एम नॉट वेलकम? ऑफ कोर्स गुंजन, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया ना, वो मेरा फर्ज था और मुझे किसी भी हालत में करना ही था। बट यू वोंट बिलीव मेरी क्या हालत थी। एक तो घर वाले मंदिर में जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, ऊपर से मुझे लगा कि हमारा पूरा का पूरा जो प्लान है ना, वो फ्लॉप होने वाला है। और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि वो कमीना विहान तुम्हें कितना परेशान कर रहा होगा। मन तो करो उसे एक दूर जाके, बहुत सताया ना उसे तुम्हें। छोड़ो ना, मुझे खुशी बस इस बात की कि उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। बस बस मौसी जी, पेट है, टैंक नहीं, फट जाएगा। अरे, इतने से क्या होगा? समझदारी या तो होती है या तो फिर होती नहीं। सही कहा आपने जीजी, हम तो कहते हैं कि हर लड़की को गुंजन की तरह होना चाहिए। बिल्कुल। रचना बेटा, गुंजन से कुछ सीखो तुम। मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट ना, तुम विहान से इतना प्यार करती थी। लेकिन देखना, तुम्हारे लिए तो बहुत जल्दी मिस्टर राइट आएगा, और देखना वो अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएगा सही वक्त पर। मजा आ गया रचना, क्या एक्सपोज किया है उसके प्लान को। और देखना, अगर उसने फिर से स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश की ना, तो इस बार तो और जोर से थप्पड़ मारूंगी इसे। इनफैक्ट इस बार तुम भी उसे थप्पड़ मारना। क्या वाह गुंजन, तुम खुश नहीं होगी तो और कौन होगा? कितनी वाहवाही मिल रही है तुम्हें, अचानक तुम इस घर की लाडली आदर्श बेटी बन गई हो। सिर्फ एक मेडल की कमी है, शायद मम्मी वो भी लेकर तुम्हें पहनाती। मैडम, आपकी बेटी। प्लीज गुंजन, तुमने हमें क्यों उठाया? कॉलेज जाना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है रचना। अच्छा, गुंजन, क्या जरूरी है कि जो भी तुम कहो वही हम करें? प्लीज गुंजन, हमें सोने दो, हमें ना तुम्हारी चाय चाहिए और ना कुछ भी। प्लीज, और जाओ यहाँ से, हमें सोने दो।